हमारे साथ अवनीश अवस्थी जी मौजूद हैं, जो आज जो फिल्म सिटी को लेकर बैठक हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम सारे कलाकार उसमें शामिल हुए, अवस्थी जी भी वहाँ मौजूद थे। अवस्थी जी, मुझे बताइए कि पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, इतना बड़ा निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया, क्या कुछ तय हुआ बैठक में? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो यमुना एक्सप्रेसवे का प्रपोजल आया था 1000 एकड़ का, उसको स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे सुझाव पूरे 2 घंटे सुने हैं। उन्होंने इस बात को कहा है कि रोजगार के प्रति हम लोग सजग रहेंगे, टेक्नोलॉजी के प्रति सजग रहेंगे, मॉडर्न एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो शान है, उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति है, उत्तर प्रदेश जो राम कृष्ण शिव की भूमि है, बुद्ध महावीर की भूमि है, इसकी अपनी जीन्स के अनुसार इसको हम आगे ले जाएंगे। अच्छा, फिल्म सिटी में क्या खास होने वाला है? कई सारे कलाकारों ने बताया कि बॉम्बे में सिर्फ फिल्म सिटी है, वहाँ और सारी चीज़ें नहीं हैं। देखिए, अब खास तो क्या होगा, अभी जलसे जैसे DPR बनेगी वैसे वैसे तय होगा, और कोशिश होगी कि लोगों को पूरे देश दुनिया से जोड़े। अभी आप देखिए आगे खास बहुत कुछ होगा। अच्छा, फिल्म ये जो कलाकार आज आए थे, निर्माता निर्देशक थे, इनकी तरफ से क्या खास तौर पर सुझाव आए? इनकी तरफ से सुझाव बेसिकली ये आया कि टेक्नोलॉजी पर बल देना पड़ेगा। इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई जो इंडिया में नहीं है और फिल्म बाहर बनती हैं, उन पर बल देना पड़ेगा, एनिमेशन पर बल देना पड़ेगा, ट्रेनिंग पर बल देना पड़ेगा, और इन सब चीज़ों को जब एक जगह लेके आएंगे तब फिर आगे चीज़ें बढ़ेंगी। बहुत धन्यवाद उनसे बात करने के लिए। ये अवनीश अवस्थी जी हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ से जो सुझाव आया था फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर, फिलहाल उसे मंजूरी दे दी गई है, और तमाम सारे जो कलाकार, निर्माता, निर्देशक आज बैठक के दौरान मौजूद रहे, उनकी तरफ से भी कई अहम सुझाव मुख्यमंत्री को दिए गए हैं। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24।